दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर है जो ये देखने को मिलता है कि पत्नी की है जो पूरी तरह से गलती होती है, पति की है जो बिल्कुल भी गलती नहीं होती है, पत्नी है जो झूठा मेंटेनेंस का केस है जो पति के ऊपर करती है। तो यहाँ पे पत्नी है जो पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, पर पति है जो उस झूठी गलत पत्नी को है जो बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। तो इसके ऊपर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पत्नी का मेंटेनेंस या तो आधा हो जाएगा या फिर गलत पत्नी को है जो बिल्कुल भी पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा है जो पति को क्या करना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अंत तक बने रहना है तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी है जो समझ में नहीं आती है। यह आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और ये है जो आपको भली भांति पता है कि बहुत से कोर्टों के द्वारा है जो गलत झूठी पत्नी का भी है जो मेंटेनेंस बना दिया जाता है, पति के ऊपर है जो न चाहते हुए भी है जो मेंटेनेंस लग जाता है, और उस गलत पत्नी को है जो पति के द्वारा न चाहते हुए भी है जो मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत से पतियों का है जो यही कहना होता है, यही है जो पति की दुख की बात होती है, उस गलत पत्नी को है जो हम मेंटेनेंस देने से कैसे बचे, या तो उस गलत पत्नी का मेंटेनेंस आधा हो जाए या फिर हमको है जो उस गलत पत्नी को बिल्कुल भी है जो मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो इसके लिए है जो आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस लगता है वो लगता है आपकी इनकम के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो इनकम जो सैलरी है उसमें से है जो आपको अपने खर्चे दिखाने हैं, ज्यादा से ज्यादा जो जेन्युइन खर्चे आपके हैं तो उनकी है जो आपको लिस्ट बनानी है कि आपकी जो पर मंथ के हिसाब से इनकम हो रही है, जो सैलरी आपकी आ रही है, तो इसमें से है जो पर मंथ के हिसाब से ये है जो आपके खर्चे भी हो रहे हैं, तो खर्चों की लिस्ट भी है जो आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आपके द्वारा कोई इमरजेंसी लोन लिया गया है, जैसे पत्नी के मेंटेनेंस केस फाइल करने से पहले अगर लोन लिया गया है, तो उससे तो है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, या फिर बाद में भी अगर कोई इमरजेंसी आवश्यकता के अनुसार है जो लोन लिया गया है जिसकी आपको है जो बहुत ही ज़रूरत थी। ये बात अलग है कि बहुत से पतियों के द्वारा है जो जानबूझ के लोन लिया जाता है मेंटेनेंस से बचने के लिए, तो वहाँ पे तो है जो पति को लोन लेने से जो फायदा नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे पति के द्वारा अगर मेंटेनेंस केस फाइल करने से पहले लोन लिया गया है, या फिर यहाँ पे इमरजेंसी थी पति की कि यहाँ पे पति को लोन लेना ही पड़ा, तो उसकी जो भी ईएमआई वगैरह है जो पति के द्वारा जा रही है, यानी कि पति का यहाँ पे जो भी खर्चा हो रहा है ईएमआई वगैरह का, उसकी सैलरी वगैरह में से है जो कट हो रही है, तो वो सब भी है जो पति को कोर्ट के सामने रखना है। तीसरा पति को क्या रखना है कि पति के ऊपर है जो पति के फैमिली मेंबर कौन कौन डिपेंड करते हैं, जैसे उसके माता पिता डिपेंड करते हैं या फिर बहन भाई डिपेंड करते हैं, यानी कि पति है जो किन किन का भरण पोषण कर रहे हैं, ये सब भी है जो पति को कोर्ट के सामने रखना है। अगला क्या रखना है, पत्नी की एजुकेशन, की पत्नी है जो कितनी पढ़ी लिखी है, इससे रिलेटेड जो पति के पास में एविडेंस है तो वो सब है जो कोर्ट के सामने रखना है। अगला, अगर पत्नी जॉब कर रही है तो पत्नी के जॉब से रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो सब है जो कोर्ट के सामने रखना है। और अगला, पत्नी की जितनी भी गलतियां रही है तो उनसे रिलेटेड तमाम जितने भी एविडेंस पति के पास में है तो उन सभी को भी है जो कोर्ट के सामने रखना है। और इन सारे ग्राउंड, सारे एविडेंस के आधार पे है जैसा आपको है जो कन्विंस करना है, समझाना है, तब जाके है जो पति को पूरी तरह से है जो यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। या तो यहाँ पे है जो पत्नी का मेंटेनेंस आधा हो जाएगा, या फिर उस गलत पत्नी को है जो पति को मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से है जो पति को मेहनत करनी होगी, अच्छे से है जो जैसा आपको कन्विंस करना होगा, तो यहाँ पे है जो पति का पूरा फायदा हो जाएगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करे और शेयर भी करे जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।